अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला की ज़ात आपको हंसता मुस्कुराता रखें। एक्चुअली ताजुल भाई, ये सामने वर्दी का मालिक ओपन हुआ है तो यहाँ पे शॉप देख रहे हैं, तो आपने जो है एक ब्रांच बनाने के लिए यहाँ पे स्टोर किया। मॉल के अंदर चलते हैं और देखते हैं कोई शॉप वगैरह अगर मिल जाए मुनासिब, तो बाकी चीज़ें अंदर जाके देखते हैं। चले ताजुल भाई, क्या हाल है? ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये जो शॉपिंग मॉल है इसका नाम है मर्दी का मॉल। मर्दी का मतलब अगर उर्दू में इसका तर्जुमा किया जाए तो ये है आज़ादी मॉल। तो तकरीबन खाली है अभी, तो ताजुल भाई यहाँ पे जो है एक शॉप जो है रेंट पे लेना चाह रहे हैं। बड़ा खूबसूरत शॉपिंग मॉल है माशाल्लाह, लेकिन अब भी खाली ही है तकरीबन। ये क्रिसमस के लिए सजाया गया है। आगे चलते हैं, शॉप्स वगैरह देखते हैं। तो ताजुल भाई, ये ग्राउंड फ्लोर में देखना है या फर्स्ट फ्लोर में? ग्राउंड फ्लोर में। चलें ग्राउंड फ्लोर में देखते हैं। यहाँ पे शायद थोड़ा रेंट ज़्यादा होगा, लेकिन शायद जब शॉपिंग मॉल चल जाए तो बिज़नेस अच्छा हो जाएगा। अभी देखो लोग भी कम है काफ़ी, कहीं चलें ट्राई करते हैं, बाकी आपकी किस्मत है। ताजुल भाई, अच्छा स्टोर से मसाज वाली दो कुर्सियां रख दो इधर, इनसे अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा। ये जी एक शॉप है, नंबर वगैरह ताजुल भाई नोट कर लें, बाद में इसे ट्राई करते हैं। क्या फर्स्ट फ्लोर पे तो रौनक लगी हुई है, डी ए वाई वालों का स्टोर है। यहाँ मर्दी का मॉल में अगर आप शॉप जो है रेंट पे लेते हैं तो उसका आपको तकरीबन 10,000 रिंगी डिपॉजिट रखना पड़ेगा जो ऑनर होगा शॉप का उसके पास, और बाकी जो रेनोवेशन वगैरह होगी वो तो ज़ाहिर आपकी अपनी होगी। और जो रेंट है यहाँ पे वो तकरीबन 3,000 रिंगी मंथली, 3,000 रिंगी का है जो तो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 1.5 लाख रुपये बनता है। नया शॉपिंग मॉल है और तकरीबन खाली ही है अभी, और बहुत बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है। तो ताजुल भाई, बजट है आपके पास? है पैसा है? ताजुल भाई की स्माइल बता रही है कि ताजुल भाई के पास पैसे हैं, इसलिए अभी जो ना अपने स्टोर की एक ब्रांच जहाँ पे खोलना चाह रहे हैं इस शॉपिंग मॉल में। तो अब देखते हैं, उम्मीद है कि ताजुल भाई को जहाँ पर जो अच्छी सी जो ना शॉप मिल जाएगी मुनासिब रेंट पर। माशाल्लाह ताजुल भाई सही जा रहे हैं आप। पैसा किधर से आता है ताजुल भाई? माशाल्लाह माशाल्लाह। ताजुल भाई जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। आज मैं ऑफिस से आया लंच के लिए तो मुझे मिल गया, कहते हैं चलें अगर आपके पास टाइम है तो शॉप देख के आते हैं ये मर्दी का मॉल में। तो अभी हम घूम रहे हैं इतनी मर्दी का मॉल में, देखते हैं। लेकिन अभी तो जो सूरत हाल है यहाँ पे कि शॉपिंग मॉल तकरीबन अभी खाली है यार, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा ताजुल भाई, एक साल लगेगा यहाँ पे जो ना कारोबार बहाल होने की सारी दुकानें ना, तब तक थोड़ा सा वेट कर लो। अगर नहीं तो आपको पास अगर पैसा है जल्दी लगाना है तो फिर तो लगा दो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साल आपको इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि शॉपिंग मॉल की सूरत हाल आप देख लें तकरीबन खाली है। 2,000 दुकानें, जाहिर टाइम लगेगा इसको फिल होते होते। तो ताजुल भाई, ये ग्रोसरी के अलावा अगर कोई आपके जहन में बिजनेस हो, कुछ दूसरा कुछ दुकान अगर आप खोलना चाहो यहाँ पे, वो भी सोच लो आप, अगर आपके पास बजट है ना वो भी आप देख लो। ये यहाँ थर्ड फ्लोर पे रेंट थोड़ा कम है, लेकिन ग्रोसरी स्टोर के लिए ये जगह जो है ना मुनासिब नहीं है ताजुल भाई। थर्ड फ्लोर पे आपको ग्राउंड फ्लोर पे ही आपको जो है ना सूट करता है जो शॉप मिले, वहाँ पे रेंट थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन ज़ाहिर है ग्रोसरी स्टोर है वो फिर ग्राउंड फ्लोर में ही चलेगा। ग्राउंड फ्लोर पर।
माशाल्लाह 2000 दुकानों पर मुश्तमिल ये शॉपिंग मॉल है, लेकिन अभी खाली पड़ा हुआ है। टाइम लगेगा इसको, शायद आए एक साल में, एक से दो साल में यहाँ पे बिजनेस अच्छा हो जाएगा। राजन भाई, इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट वगैरह किया हुआ है? पैसा वगैरह है इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट किया है? किस में? प्रॉपर्टी में। पूरे चैंपियन हो आप यार। शॉपिंग मॉल के सामने का व्यू। अगर आपने ग्रोसरी स्टोर करना है तो उससे बेहतर है, उसके लिए बेहतर है कि आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में, किसी हाईवे पे, किसी शॉपिंग मॉल में। ग्रोसरी स्टोर का यहाँ पे थोड़ा सा बिज़नेस मुश्किल होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी जो है सुपरमार्केट्स हैं वो यहाँ पे होती हैं। तो मेरा भी ताजल भाई को यही मशवरा है कि बेहतर है आप कुछ टाइम जो है ना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि शॉपिंग मॉल की सूरत हाल अभी आपके सामने है, तो इसलिए यहाँ पर अभी रिस्क है थोड़ा सा। तो फिर भी ताजिर भाई को आगे मर्जी है इनके क्या कहते हैं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में लाजम बताइएगा क्या ताजिर भाई को यहाँ इस शॉपिंग मॉल में अभी जो ना इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। मेरे ख्याल से तो नहीं, तो एक साल इंतज़ार कर लें। क्यों ताजिर भाई? ओके, चलें, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, दो में याद रखें।